मेरा नाम है फातिमा जमाल और मैं यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रही हूँ J7 ग्लोबल से। मेरा नाम फारुख अब्बास है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ इधर। मेरा नाम सादिया लियास है और मैं J7 ग्लोबल में एक साल से काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए हैं, यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ J7 ग्लोबल के। मेरा नाम शाहजेब खान है और मैं J7 ग्लोबल में एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। हाय, माय नेम इज रहमत करीम एंड आई एम वर्किंग एज अ सेल एग्जीक्यूटिव एट J7 ग्लोबल। उमर है एज अ सेल एग्जीक्यूटिव। मेरा नाम इकरा है और मैं रिकवरी डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट मैनेजर काम कर रही हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है और मैं J7 ग्लोबल में एज अ सेल एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे D17 में 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, J7 मॉल और J71 मॉल। तो वहाँ पे क्लाइंट्स हमसे काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम फर्दर J7 ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं। तो हमारा 3rd प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था J7 एम्पोरियम और उसको फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन का भी अवार्ड मिल चुका है। 2 साल में उसने 28 फ्लोर्स कम्प्लीट किए हैं। और फिर 4th प्रोजेक्ट J7 ग्लोबल हमारा शुरू हुआ, तो हमारे पिछले क्लाइंट्स काफ़ी खुश हुए हैं और J7 ग्लोबल से आगे बढ़ने का मकसद ही है क्योंकि हमारे पिछले क्लाइंट्स इतना खुश हैं। हमारी तरफ लोग क्यों ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी लोकेशन पे हैं। लोकेशन इज़ बेसिकली अ की टू सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। अगर आप देखें तो यहाँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत करीब है, 5 मिनट्स की ड्राइव पे। उसके अलावा मोटरवे M1 एंड M2 यहाँ से करीब है। उसके अलावा ये बिल्कुल श्रीनगर हाईवे पे फॉल कर रहा है और ये काइट वेस्ट रोड के पास है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में जाके रिंग रोड को कनेक्ट करेगी और CPEC को कनेक्ट करेगी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का जो फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा होगा। आजकल लोग अपना पैसा सेफ करने की कोशिश करते हैं और प्रॉपर्टी के बिज़नेस में जितना रिटर्न है, आई डोंट थिंक कि वो किसी और बिज़नेस में रिटर्न। इस 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी सारे क्लाइंट्स आए मेरे पास जो हमें मोस्टली ये क्वेश्चन करते हैं कि हम रेजिडेंशियल में क्यों ना इन्वेस्ट करें, हम होटल स्ट्रीट में क्यों करें। तो मेरा उनको मोस्टली जो मैं उनको तरीका बताती हूँ कि अगर आप रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15-20% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है पर एनम। बट J7 ग्लोबल आपको पर एनम 17-22% का जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा होता है। सो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट कि आप होटल स्वीट के अंदर इन्वेस्ट करें। ओवरसीज़ क्लाइंट्स का J7 ग्लोबल में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वी आर अ क्रेडिबल प्रोजेक्ट। काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, बट J7 ग्लोबल हैज़ दैट प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से ओवरसीज़ क्लाइंट्स हमसे बहुत खुश हैं। अभी जो हमारे होटल स्वीट्स के जो रेट्स चल रहे हैं वो 35,000 पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं, ठीक हो गया। और हमारे जो शॉप्स के चल रहे हैं वो 60,000 पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग के अंदर जो अब लॉन्च किया गया था तो ये रेट 15,000 रुपीज़ था। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि हम एनुअल एप्लीकेशन दे रहे हैं 17% से लेकर 22% तक। J7 ग्लोबल उनको कॉम्प्लीमेंट्री डेज भी देगा और जिसमें वो आके रह सकते हैं और अपना जो होटल स्वीट है उसको भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से। हमारे जो अपने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इधर इन्वेस्ट किया हुआ है उनसे हम रेंटल चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, बाकी सर्विसेज हैं लाइक फूड है, बाकी एमिनिटीज़ हैं, उनकी चार्जेस उनको पे करना पड़ेंगे। एनी 2-bed apartment और 3-bed apartment यू विल ओनली गेट लाइक 40,000 और 50,000 पर मंथ, बट इन होटल स्वीट्स यू विल गेट 0.8% रेंटल वैल्यू। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ पर हमारे पास शॉप्स भी अवेलेबल हैं और होटल सूट्स भी अवेलेबल हैं। आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। होटल सूट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है, तो अभी आप आके अपनी ऑप्शंस के हिसाब से बेहतर ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं। अगर हम शॉप्स की बात करते हैं तो शॉप्स के हमारे पास 3 फ्लोर हैं जिसके अंदर लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की ऑप्शन अवेलेबल है।
इसके अंदर शॉप्स के डिफरेंट साइजेस हैं और इसमें जो आपकी इंटरेस्ट होगी मेन कश्मीर हाईवे से होगी और आप इसके अंदर एनुअल जो है वो 0.6 के हिसाब से आप रेंट हासिल कर सकते हैं, जिसमें से 60% हमारी जो शॉप्स और होटल सुइट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। और पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिए तो उनके जो अब वो हैं अपने रेंटर्स वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, 1 लाख प्लस हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी विद इन मंथ हमारा एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा विद लग्जरी होटल, जिसके बाद हमारी एक इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी जिसमें हमारे रेट्स जो हैं उनका प्रोबेबिलिटी है कि वो 35 से होटल सीट के जो रेट हैं वो 35 से एक्सीड हो जाएँ काफ़ी ज़्यादा। हमारे अपने कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिससे हम लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस देते रहते हैं, और जैसे कंस्ट्रक्शन अपडेट है वीडियोस के थ्रू, वीडियोस अपडेट जो हम देते हैं हर मंथ उसके थ्रू हम लोगों को बताते हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन अपडेट कितने से कितने तक हो चुकी है, इस मंथ में हमने क्या गेन किया है और क्या नेक्स्ट मंथ हम आगे गेन करने जा रहे हैं। यूजुअली हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज़ होते हैं तो वी डोंट हैव टू टॉक टू देम लाइक डायरेक्टली कि आप हमें इंस्टॉलमेंट जमा कराएं। उन्होंने हमें वो उनका ट्रस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हुआ हुआ है हमारी कंपनी पे अल्हम्दुलिल्लाह कि वो पहले से ही अपनी ड्यूज क्लियर करवा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी जो कस्टमर के जिस तरफ से रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जनरली हमारे पास जितने कस्टमर जिन्होंने हमारे साथ बुकिंग की हुई है मैक्सिमम लोगों ने अपने टाइम पे पेमेंट करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। क्लाइंट्स को बेसिकली इस तरह से ये फ़ायदा होता है कि वो एक तो अप टू डेट रहते हैं कि जैसे आज हमारा 5th फ्लोर पे अगर काम चल रहा है तो उन्हें पता होगा कि हाँ भी 5th फ्लोर पे काम चल रहा है और किस तरह से दिख रहा है, क्योंकि हम सिर्फ बताते नहीं हम दिखाते भी हैं वीडियोज़ के थ्रू। अपार्टमेंट्स और होटल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अपार्टमेंट्स जो होते हैं वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं, वो कभी भी होटल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये स्पेसिफाइड बिल्कुल होटल बन रहा है, 5-स्टार होटल बन रहा है, तो इनके जो स्वीट्स होंगे जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी वो एज एन होटल स्वीट्स कंसिडर किया जाएगा, अपार्टमेंट्स नहीं। वी हैव अ गुड लोकेशन और उसके अलावा हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद हम सेफ इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम बाय बैक पॉलिसी है हमारी रीसेल पॉलिसी है, वी हैव एवरीथिंग यू नीड। इसके साथ जो हमारी कमिटमेंट हुई है होटल सुइट के मामले में या कमर्शियल के मामले में, हम इंशाल्लाह ताला उन्हें अपने टाइम पे वो चीज़ उनको डिलीवर करें। जो कुछ भी है ना डिजिटल में वो सारा इधर यहाँ पर इन हाउस ही है, कोई भी काम हम बाहर से नहीं करवा रहे, सारा काम हम खुद ही कर रहे हैं। क्लाइंट्स इज गेटिंग 100% अप्रिसिएशन ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, और डेफिनेटली जो भी इन्वेस्ट करेगा उसके जो रेंटल्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे। इस एरिया में कोई भी ऐसा 5-स्टार होटल अभी नहीं बन रहा, तो इन फ्यूचर उनको सारी सहूलतें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास होने की वजह से बिल्कुल 2 किलोमीटर की दूरी पे उनको मिल जाएगी। तो आई वुड रिकमेंड कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद, पाकिस्तान से बाहर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द ट्रस्टवर्थीएस्ट प्रोजेक्ट जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह उससे डबल ही रिटर्न मिलेगा।